नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संक्रमण ने तोड़े सभी पुराने रिकॉर्ड, आम की फसल इस बार 40% कम, चाकू के साथ मिला फरार अपराधी। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। संक्रमण ने तोड़े सभी पुराने रिकॉर्ड। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर में रोजाना संक्रमण के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लोगों की लापरवाही और कोरोना नियमों का उल्लंघन स्वयं तथा दूसरों के लिए घातक साबित हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन संक्रमण के रिकॉर्ड 1.5 लाख के पार चल रहा है। यही कारण है उपचाराधीन लोगों की संख्या करीब 6.5 महीने बाद फिर से 10 लाख से अधिक हो गई है। तो वही दूसरी ओर आम की फसल इस बार 40% कम। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश, ज्यादा तापमान से 40% कम उत्पादन के बावजूद इस बार फलों के राजा आम का दाम कम रहेगा। पिछले वर्ष 5 दर्जन अल्फांसो पेटी 2,2200 रुपए में थी, इस बार दाम 2,200-2,400 रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं बंद होने से बाहर जाने वाला आम देश में खपाया जाएगा। उत्तर प्रदेश से भी निर्यात ठप रहने की आशंका है। इससे लंगड़ा, चौसा और दशहरी आम जैसे आम जो पिछले साल 40-50 रुपए किलो थे, इस बार भी इसी दाम पर मिलेंगे। नेशनल मैंगो डेटाबेस के मुताबिक दुनिया का 45% आम भारत में होता है। सबसे पसंद किए जाने वाले आमों में शुमार हापुस का 80% उत्पादन महाराष्ट्र में, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे, पालघर और कर्नाटक के कुछ जिलों में होता है। तो वही तीसरी ओर चाकू के साथ मिला फरार अपराधी। शांतिनगर पुलिस ने फरार अपराधी को चाकू के साथ पकड़ा है। आरोपी अरविंद अशोक धनसुरे काशीनगर है। शांतिनगर पुलिस को अरविंद संदिग्ध अवस्था में नजर आया। पुलिस को देख कर वह भागने लगा। पुलिस कर्मियों ने उसे पीछा करके पकड़ा। उसके पास चाकू मिला। उसके हमले की वारदात में वांछित होने का पता चला। यह कार्रवाई PSI अरुण बकाल, कर्मचारी वकील प्रकाश तथा प्रवीण ने की है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।